देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी नेता का इस तरह की स्टेटमेंट, ये दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच रहे। और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके, वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूँगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले हजार बार सोचना चाहिए। धन्यवाद। और एक कोरोना के वैक्सीन का टीकाकरण, उसकी तैयारियां सबने अपने अपने स्थान पर की होगी, तो उसकी योजना ढंग से तैयार हो जाए। जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है, और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, इसके बाद अपना नंबर आए, तो जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है उनको लग जाए, उस व्यवस्था को भी बनाने में हम सबको जुटना पड़ेगा।